चौहान, टेक टीवी, पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर, टेक टीवी, पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। एहतशाम राणा, टेक टीवी, पाकिस्तान। वजीर आजम मुतल्लिक किया गया। लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच, टेक टीवी, पाकिस्तान। कौकब फारूकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद का बड़ा चैलेंज दरपेश। वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी कमेटी को परवेज़ इलाही की वज़ीर-ए-आला नामजदगी पर एतमाद में ले लिया। हुकूमती वफ्द के MQM के साथ मुलाकात पर ब्रीफिंग भी दी गई। PDM ने इस्लामाबाद में पड़ाव और जलसा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। PDM के जलसे के दौरान मरियम नवाज़ ने खुद रोस्ट्रम पर आकर शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी और कहा आज पाकिस्तान को शहबाज शरीफ की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। हमसाए ममालिक के 3rd इजलास में शिरकत करेंगे जबकि रूस चीन के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाने के लिए आलमी इन्वेस्टमेंट हुई। वज़ीर दाखला शेख रशीद ने कहा है कि कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर बहस 31 तारीख से होगी, तहम वोटिंग 3 अप्रैल को होगी। अक़्वामे मुत्तहिदा के प्रोग्राम बराए माहौलियात का पाकिस्तान के इकदाम का एतराफ़। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा हम तारीख के इस मोड़ पर हैं जहाँ मज़ीद इकदाम की ज़रूरत है। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. अब अगला मैसेज आपके कार और होम इंश्योरेंस में भारी बचत का। क्या आपके घर या कार के इंश्योरेंस का रिन्यूअल ड्यू है और आपको तलाश है सही कवरेज के साथ साथ अच्छे रेट्स की, तो आज ही कॉल करें ऑल स्टेट के रवि को और पाएं रेट्स में बचत और बेहतरीन सर्विसेज। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में सर्विसेज देते हैं। कॉल रवि टुडे 6474929236 6474929236। यू आर इन गुड हैंड्स with Allstate। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तला'आत व नशरियात फारूक हबीब का कहना था कि चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात में तमाम मामला तय हो गए। काफ लीग ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार और हिमायत का ऐलान कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज़ उस्मान बुज़दार ने पंजाब की वज़ारत आला से इस्तीफ़ा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश किया जिसके बाद PTI हुकूमत ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामजद करने का फ़ैसला किया। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तला'आत व नशरियात फारूक हबीब का कहना था कि चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात में तमाम मामला तय हो गए। काफ लीग ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार और हिमायत का ऐलान कर दिया। वाज़े रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद का बड़ा चैलेंज दरपेश है। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी थी जो कि बहस के लिए मंजूर भी हो गई थी। कौमी असम्बली का आइंदा इजलास 31 मार्च बरोज़ जुमेरात को तलब किया गया है। PDM के कायदीन मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने 3:30 के करीब पड़ाव और जलसा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जलसे से खिताब में मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने
इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट के बयान को ड्रामा करार देते हुए कहा कि इमरान न्याजी के पौने चार साल के करतूतों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने दिन रात झूठ बोला, यू टर्न लिया। क्या रियासत मदीना में ऐसा कोई सोच सकता है? इसलिए इमरान न्याजी के पौने चार साल के करतूतों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की। उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी ने रियासत मदीना की बात करके कार्टल्स को करप्शन का मौका दिया और आवाम को कंगाल कर दिया। कौम के अरबों खरबों रुपए के वसाइल बर्बाद हो गए। क्या महंगाई और गुरबत बैनुल अक्वामी साजिश का नतीजा है? इससे कबल मौलाना फजल रहमान ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नाजायज हुक्मरानों के खिलाफ जद्दोजहद जहाद है। इस नाजायज हुकूमत के खात्मे का वक्त आ चुका है और नाजायज जालिम हुक्मरानों से निजात के लिए ही आप सड़कों पर हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आज इस नाअहल के खिलाफ कौमी असम्बली में अदम एतमाद पेश हुआ है और ये बेआबरू होकर यहाँ से चला जाएगा। हमारे पास वो जबान नहीं जो बाजारी जबान इसके पास है। जमीयत उलमाए इस्लाम पे के सरबराह ने कहा कि याद रखें, आप जैसों से इस मुल्क को आज़ाद कराना हमारी जिंदगी का मकसद है। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि बराबरी की बुनियाद पर काम करने के लिए तैयार मगर गुलामी नहीं कर सकते। हम दुनिया में किसी से दुश्मनी नहीं चाहते लेकिन उसूल की बुनियाद पर बराबरी और दोस्ती चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा इलेक्शन कमीशन बेचारा है जो कौम को दुरुस्त नतीजा भी ना दे सका। हमारा हदफ इदारों को मजबूत बनाना है और हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार हो। फजल रहमान ने कहा कि हम फॉरेन फंडिंग से पीटीआई को फरार होने नहीं देंगे। इन नाअहलों की वजह से नतीजा ये निकला कि दुनिया में हमारा कोई दोस्त नहीं और जो दोस्त थे वो नाराज हो गए। जिन्हें आका समझते थे उन्होंने भी फंड देने से इनकार किया। ये है इनकी कारकर्दगी और ये क्या किसी को रोजगार देंगे? नौकरियों के नाम पर बेरोजगार कर दिए, घरों के नाम पर सरों से छत छीन ली। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए, जहां वह अफगानिस्तान से मुतालिक ट्राई का प्लस इजलास में शिरकत करेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के तीसरे इजलास में शिरकत के लिए चीन रवाना हो गए, जहाँ वो अफगानिस्तान से मुतालिक ट्राइका प्लस इजलास में शिरकत करेंगे। दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया है कि दौरे के दौरान वजीर खारजा शाह महमूद स्टेट काउंसलर वजीर खारजा वांगजी से मुलाकात करेंगे, जबकि रूस चीन के वज़राए खारजा से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी चीन के बाद रूस का भी दौरा करेंगे। पाकिस्तान ने 8 सितम्बर 2021 को पड़ोसी ममालिक के वज़राए खारजा की पहली मीटिंग की मेज़बानी की। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए अफगानिस्तान से मुतालिक इलाकाई नुक्ता नज़र की मुकम्मल हिमायत करता है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान एक पुरअमन मुस्तहकम खुद मुख्तार खुशहाल और मुंसलिक अफगानिस्तान के मुश्तरक मकासद को आगे बढ़ाने के लिए आलमी बरदरी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि चौधरी बरादरान में बगावत की खबर गलत है। चौधरी शुजात का हमारा साथ देने का फैसला बरकरार रहेगा। काफ लीग हमारे साथ आ चुकी है, ख्वाहिश है और दुआ है कि MQM भी आ जाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि मैं खुद भी हामी हूँ कि इंतखाबात जल्द हो जाए। चाहता हूँ इमरान खान एक अच्छा सा बजट दे और उसके बाद इंतखाबात हो जाएं। मेरी 3 ख्वाहिशें हैं। अव्वल ये कि कौम इमरान खान के लिए खड़ी हो, दोम नाना लई बन जाए और तीसरी ख्वाहिश है कि साफ शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात हो जाएं। वजीर आला उस्मान बुज़दार पर उन्होंने कहा कि गवर्नर जल्द उनके इस्तीफे मंजूर होने का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। उस्मान बुज़दार ने तामीरी काम किए। वजीर आला पंजाब ने जाते जाते रावलपिंडी में यूनिवर्सिटी की मंजूरी भी दे दी। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में 4 दहशतगर्द पकड़े गए हैं जिनमें 2 खुदकुश बमबार हैं। मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। वजीर दाखिला का कहना था कि पिंडी वाले पाकिस्तान के हालात को बाखूबी समझते हैं। अगर उन्होंने गैर जानबदारी का मुजाहरा किया है तो ये अच्छी बात है। ये बात ठीक नहीं कि हर बात हम पिंडी वालों पर डाल दें। आलमी सतह पर पाकिस्तान के बिलियन ट्री प्रोग्राम को पजीराई मिल रही है। अक्वामे मुत्तहदा के प्रोग्राम बराए माहौलियात ने पाकिस्तान के इकदामात को सराहा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक्वामे मुत्तहदा के प्रोग्राम बराए माहौलियात की जानिब से पाकिस्तानी इकदामात के एतराफ पर वजीर आजम इमरान खान ने अपनी टीम पर फखर का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक आलमी सतह पर पाकिस्तान के बिलियन ट्री प्रोग्राम को पजीराई मिल रही है।
اقوام متحدہ کے پروگرام برائے ماحولیات نے پاکستان کے اقدامات کو سراہا۔ اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ٹیم پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم تاریخ کے اس موڑ پر ہیں جہاں مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس اہم محاذ پر پاکستان قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ یو این ماحولیات اسمبلی نے پاکستان سمیت 3 ممالک کو ماحولیات لیڈر ملک قرار دیا، جس میں پاکستان کے علاوہ جرمنی اور ایل سلواڈور شامل تھے۔ پاکستان 3 بلین ٹری سونامی منصوبے کو دنیا بھر میں ماڈل کے طور پر پیش کرے گا۔ مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔ شاہان ٹیک ٹی وی پاکستان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک قوم کا پیسہ نہیں واپس کریں گے۔ ایمن منظور ٹیک ٹی وی پاکستان، اپنے ہاتھ میں رائے میں آپ کو سسپینڈ کر دو۔ فاروق صدیقی ٹیک ٹی وی پاکستان، احتشام رانا ٹیک ٹی وی پاکستان، وزیر اعظم مخلف کیا گیا، لے کے آئیں گے تحریک عدم اعتماد۔ پی ایم صاحبہ کہتی ہے میرے پاس ٹیپے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ ذہنی طور پہ بالکل مفلوج ہو چکے ہیں۔ بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ امجد بلوچ ٹیک ٹی وی پاکستان۔ کوکب فاروقی ٹیک ٹی وی پاکستان۔